देवघर में इंडिया महागठबंधन के गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने निशिकांत दुबे पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, 15 सालों में निशिकांत ने विकास तो नहीं किया लेकिन संपत्ति 100 गुना बढ़ा ली। इंडिया महागठबंधन की ओर से प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार देवघर पहुंचे और गठबंधन दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच बैठक किया और गोड्डा लोकसभा फतेह का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। प्रदीप यादव ने बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर भी जोरदार हमला बोला और निशिकांत दुबे के प्रचार नहीं किए जाने और चाय नाश्ता करने की बात को लेकर कहा कि आजकल चुनाव प्रचार का नाम बदल गया, अब लोग चाय पीने, मूढ़ी घूमने खाने 150 किलोमीटर दूर जाते हैं और कहते हैं हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। आगे पार्टी की ओर से दावेदारी को लेकर विवाद को लेकर कहा कि सभी एकजुट हैं, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सभी मिलजुल कर लड़ेंगे और हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए समर्पित होकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। दीपिका पांडे सिंह जी ने कहा, नाम जब बदला गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति में बड़ी मुश्किल। उन्होंने राजनीति व्यक्तिगत राजनीति कहा कि हम 100 कुर्बान दे सकते हैं राहुल गांधी जी के कांग्रेस के, इस बात को आप देखिए दिल में क्या सच है। निशिकांत जी कह रहे थे कि मैं 4.5 लाख से चुनाव जीत रहा हूँ, आपको टिकट मिलने के बाद कह रहे हैं 6 लाख से जीत रहा हूँ, कैसे देखते हैं हम कल्याण को 1.5 लाख वोटों का इजाफा बता रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, कि कोई बैठ करके प्रचार करूँगा, प्रचारों की मेरे घोषणा के बाद मंत्री चाय पीने जाना पड़ रहा है, पूरी बुकनी वहाँ जाना पड़ रहा है, उदय बाबू अली बाबू है उनके लिए हम पूरी बुकनी में व्यवस्था नहीं किया, जिस कारण से हमारे भाई साहब ने अजय नारायण मिश्रा जी ने देवघर की व्यवस्था नहीं की, इसलिए यहाँ से 150 किलोमीटर घूमी मूवी खाना जाना पड़ रहा है और अब उन्होंने चुनाव प्रचार का नया नाम चाय पीना और दुगनी मूवी खाना दे दिया। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से पहली सूची जारी हुई थी उसके बाद नाम में बदलाव आया, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, कांग्रेस को अनुशासित पार्टी के तौर पे जाना जाता है, तो क्या ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता, ये उनका सवाल है। आपने देखा होगा जिस तरह से सभी दलों के कार्यकर्ता और नेताओं का उत्साह है, ये उत्साह का मंजर, ये उत्साह का दृश्य ये बताता है कि गठबंधन के साथ जनता खड़ी है, जनता इस बार पाला बदलना चाहती है और पाला बदलने में परिणाम यही होगा कि इस बार गठबंधन यहाँ से जीतेगा, कांग्रेस यहाँ से जीतेगा। मुद्दे क्या होंगे आपके पास, विपक्ष कर रहे हैं आप मुद्दा विहीन हो गए। हमें लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, यह कहना उनकी मूर्खता है, उनके पास मुद्दे नहीं है जो उनके प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करने लगा है, हमारे पास तो मुद्दे हैं बेरोजगारी, रोजगार देने की बात हम करते हैं, हमारे पास मुद्दे हैं महंगाई, जो महंगाई से आम लोगों की कमर टूट चुकी है, हमारे पास मुद्दे हैं कि भाई इन 10 वर्षों में उन्होंने जो कर्जे माफी की अडानी और अंबानी की, हमने कहा कि हमारे कर्जे माफी होंगे करोड़ों किसानों की, हमने कहा कि जो नारी को न्याय नहीं मिला हम नारी के खातों में 1 लाख रुपये देने जा रहे हैं, हमारे मुद्दे की जो एक तरफ बात करता है भाई चंद कि हम आरक्षण को समाप्त करने के संविधान में बदलेंगे, हम कह रहे हैं कि हम संविधान को अक्षुण रखेंगे और आरक्षण 50 नहीं जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे देंगे, यानी हमारे पास तो मुद्दे दर्जनों हैं जनता के हित में, स्थानीय स्तर पर हमारे मुद्दे हैं, राज्य स्तर पर हमारे मुद्दे हैं कि भाई झारखंड की जो हिस्से को भारत सरकार ने दबा के रखा है, हम जैसे लोग अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो लोकसभा के पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर लड़कर के झारखंड के हिस्सों को लाएंगे, ये हमारे मुद्दे। कितना गठबंधन के लोग साथ हैं? एक साथ हैं।
जो गठबंधन है कांग्रेस यहाँ राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा वामपंथी माले के लोग यहाँ तृणमूल के लोग आए थे, आप पार्टी के नेता आए थे, तमाम दलों के लोग भीम सेना के लोग आए थे, कई दलों के लोग थे, सारे लोग हमारे साथ हैं और सबने अपने विचार कई सामाजिक संगठनों के लोग भी थे। ये आपके मन का भ्रम है, ये सारे भ्रम भी एक दो दिनों में आपके दूर हो जाएंगे। आज भी फुरकान साहब ने फोन करके कहा, हमसे बात हुई है कि भाई हम दूसरी बैठक में आ पाएंगे, और कल परसों भी मेरे साथ दो घंटे वो बैठे थे, खुद संजय बाबू मेरे साथ थे, सारे लोग हैं, दीपिका जी हैं, सारे लोग मेरे साथ हैं, कोई फर्क नहीं देती है। तुमका मैं स्टेटमेंट दे, सभी समाज और दल का आपको साथ मिल रहा है, सभी समाज और दल का साथ मिल रहा है, बिल्कुल सारे लोगों का साथ मिल रहा है। और निश्चित रूप से इस बार का जो माहौल है, हमें लगता है कि मेरे जीवन का जो 23 साल का अनुभव रहा है राजनीति में, इससे बेहतर माहौल कभी हमने नहीं देखा। धन्यवाद।